एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रीना सिंदूरी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं भुट्टे की किस। भुट्टे की किस इंदौर का फेमस स्ट्रीट फूड है। ये किस खाने में इतनी अच्छी लगती है कि सभी को पसंद आती है। आज हम जैसे इंदौर में भुट्टे की किस मिलती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे और सर्व करेंगे। तो चलिए भुट्टे की किस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 किलो देसी भुट्टे लिए हैं। जब भी आप मार्केट से भुट्टे लेने जाएं किस के लिए, तो इस तरीके से दानों को दबा कर देख लीजिए। 2-3 दानों को दबा कर देखें, उसमें से यदि दूध निकल रहा है मतलब वो ताजे भुट्टे हैं और ये किस बनाने के लिए परफेक्ट भुट्टे हैं। अब हम भुट्टों को मीडियम साइज के ग्रेटर से किस लेंगे। मैंने यहाँ पर जिस किसनी से कीसा है उससे थोड़ा बड़ा साइज का ग्रेटर हो तो भी आप उससे कीस सकते हैं। आप चाहें तो भुट्टे के दानों को निकाल कर मिक्सर में पीस भी सकते हैं, पर जो मज़ा इस तरीके से कीस कर भुट्टे की किस में आता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। मतलब कि किस का टेक्सचर इस तरीके से किसने से बहुत ही अच्छा आता है। मैंने सारे भुट्टों को किस लिया है। मैं आपको कप से भी मेजरमेंट करके बता देती हूँ कि भुट्टे का पेस्ट कितने कप है। आप चाहें तो अमेरिकन भुट्टे से भी किस बना सकते हैं, बस अमेरिकन भुट्टे की किस थोड़ी सी मीठी लगती है और आप यदि अमेरिकन भुट्टे की किस बनाएं तो उसमें शुगर ना डालें। कप से मेजर करने पर ये 3 कप भुट्टे का पेस्ट है। अब मैंने 3 बड़ी साइज के हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। अब मैंने आधी छोटी चम्मच हींग ली है और उसे 1 बड़ी चम्मच गर्म पानी में भिगो दिया है। जब हम बघार लगाएं तभी भिगोना है। हींग का टेस्ट किस में बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई में 5 बड़ी चम्मच तेल लिया है। आप यदि स्टील या फिर लोहे की कढ़ाई लें तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। तेल के गर्म होने पर आधी छोटी चम्मच राई डालेंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब 1.5 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और साथ ही 1 छोटी चम्मच डालेंगे सौंफ। अब कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। जीरा और सौंफ तो अच्छे से तड़क गए हैं, अब हरी मिर्च का हल्का सा कलर चेंज हो जब तक इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब हमने हींग को जो गर्म पानी में भिगोया था वो डाल देंगे। साथ ही 1/2 छोटी चम्मच हल्दी और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तड़का जले नहीं इसलिए हम इसमें 2-3 चम्मच भर कर भुट्टे का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 बड़ी चम्मच पानी भी डाल देंगे ताकि ये पेस्ट जले नहीं। इसे मिक्स करने के बाद अब सारा भुट्टे का पेस्ट इसमें डाल देंगे। सारा भुट्टे का पेस्ट कढ़ाई में डालने के बाद इस बर्तन में थोड़ा सा पेस्ट लगा है तो 2 बड़ी चम्मच पानी डालकर इसे भी इसमें मिला देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नॉनस्टिक कढ़ाई में किस बनाने का फायदा यह है कि यह कढ़ाई में चिपकती नहीं है। अब इसमें 1.5 छोटी चम्मच डाल देंगे नमक और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। किस को पूरा पकने में करीब 20 से 25 मिनट लगते हैं। हमने इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट पका लिया है। अब गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और कम फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ढकने से किस अच्छे से पक जाती है और सॉफ्ट हो जाती है और 5 मिनट बाद अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। यदि आप स्टील या फिर लोहे की कढ़ाई में 5 मिनट इसे ढकते ना तो आपको बीच में एक बार चलाना पड़ता, पर ये नॉनस्टिक कढ़ाई है इसलिए मुझे इसे बीच में चलाना नहीं पड़ा। अब मैंने यहाँ पर 1.5 कप दूध डाला है। पहले मैंने 1 कप दूध डाला है और इसे मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो आधा दूध और आधा पानी भी डाल सकते हैं। मैंने गलती से पूरा कप भर लिया है पर मुझे इसमें से आधा ही डालना है क्योंकि मैं यहाँ पर 1.5 कप दूध का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही 1 बड़ी चम्मच शुगर डालेंगे। अब दूध के साथ और शक्कर के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पर ही दूध के साथ इस किस को पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। किस दूध को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी और ये गाढ़ी होने लगेगी, इसलिए आप बीच बीच में इसे चलाते रहिए। गैस की फ्लेम को कम और मीडियम रहने दीजिए। किस को कम और मीडियम फ्लेम पर हमने पका लिया है। किस को पकाते हुए मुझे पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। किस को पकाने का समय किस की मात्रा पर भी डिपेंड करता है। किस की मात्रा यदि कम होगी तो वो जल्दी पक जाएगी और ज़्यादा किस होगी तो उसके पकाने का समय भी ज़्यादा रहेगा। अब इसमें हम 3 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब धनिये को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें धनिये के साथ नींबू का रस भी मिला सकते हैं, लेकिन हर कोई नींबू का यूज़ नहीं करता है इसलिए हम नींबू लास्ट में यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे अब एक बाउल में निकाल लेते हैं और इंदौर स्टाइल में इसे सर्व करते हैं। इसे एक बाउल में निकालने के बाद इस पर कुछ पत्ती हरे धनिये की डालेंगे और फिर ताज़ा किसा हुआ नारियल लिया है मैंने, उसे इसके ऊपर सब दूर फैला देंगे।
मैंने इंदौर में सराफा में भुट्टे की किस खाई थी, बिल्कुल इसी तरीके से मुझे सर्व कर दी गई थी। मैंने नारियल को छील कर फिर किस लिया है और ये लीजिए, साथ में हम नींबू भी रख देते हैं। अब आप इस पर नींबू का रस निचोड़ लीजिए और नींबू के रस को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इंदौर में किस के ऊपर जीरावन मसाला भी डालते हैं, तो आप चाहें तो इस पर जीरावन मसाला डाल लीजिए। मेरे यहाँ पर सभी को बिना जीरावन वाली किस ही पसंद है। किस की यह रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।